सबसे पहला सवाल कर लेते हैं हम किट्टू से। ओए किट्टू उधर देख, तू इतनी गोरी क्यों है? तो Q&A स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं मिला दूं आपको किट्टू से। ये ना मेरी बहुत प्यारी पर्शियन कैट है और काफी समझदार भी है और आलसी भी बहुत ज्यादा है ना? आलसी है ना तू? म्याऊ बोल। इसके ऊपर वो डायलॉग पूरा सूट होता है, दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का लेकिन असल में हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा Q&A। सबसे पहले ना बेसिक सवाल सारे के सारे ले लेते हैं। मेरा नाम है मन वैष्णव, 21 साल का हूं मैं और पढ़ाई में कोई ज्यादा तीर नहीं मारे, सिर्फ बीकॉम कराया हुआ है। होम टाउन मेरा उदयपुर है, तो बेसिकली मैं एक मारवाड़ी हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड थी करीबन 82-83 जितनी, बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, मजाक कर रहा था, मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है। चलते अब आप लोगों के सवालों की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, भैया आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया? ये थोड़ा फनी था। अच्छा चलो मजाक साइड में रखते, मैंने यूट्यूब स्टार्ट कैसे किया वो मैं बताता हूँ। देखो 2014 तक तो मेरे को पता ही नहीं था यूट्यूब पे वीडियोस हम डाल सकते हैं। मेरे को ऐसे लगता था कि कोई और ही डाल सकता है, हम नहीं कर सकते, इस पे डालने के लिए पैसे लगते हैं, ऐसे सब मेरे दिमाग में थिंकिंग थी। ठीक है, फिर 2016 में क्या होता है, जियो आता है। 2016 से पहले मैं यूट्यूब उतना ही चलाता था जितना आप लोग बुक्स पढ़ते हो, इतनी सी देर। इतना चलाना मजबूरी था बिकॉज नेट जो था ना उस टाइम पे कुछ 259 रुपीज या फिर 249 रुपीज में 1 GB मिलता था, महीना चलाना पड़ता था, तो ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते थे। 2016 के बाद होता है कि जियो आता है और सारी चीजें पता चलती है यूट्यूब के बारे में कि यहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जो पहला इंसान मैंने देखा था और जिसको देख के मैंने मेरा टेक्निकल चैनल चालू किया था वो थे हमारे, चलिए शुरू करते हैं, टेक्निकल गुरुजी। उनको देख के मैं एकदम मोटिवेटेड हो गया कि अब तो यार मैं यूट्यूब पे झंडे गाड़ के रहूंगा, मेरा टेक्निकल चैनल इतना आगे ले जाऊंगा, इतना आगे ले जाऊंगा। और लोगों ने सही में यार टेक्निकल चैनल पे बोला आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चला ही नहीं टेक्निकल चैनल। 7000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी वहां पे व्यूज सिर्फ 50-60 आ रहे थे। फिर मैंने टेक्निकल चैनल के साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि इसके साथ ना मेन स्टाइलिंग को कंबाइन करते हैं। तो मैंने टेक्निकल वीडियोस और मेन स्टाइलिंग वीडियोस, एक दिन टेक्निकल वीडियो एक दिन मेन स्टाइलिंग। अब ये वाले चैनल की शुरुआत कैसे हुई थी, मेरे को ना बहुत ज्यादा पिंपल की प्रॉब्लम थी पहले, तो मैंने उसको अपने हिसाब से ठीक किया था बहुत मेहनत बहुत मशक्कत से। तो मैंने पहला ही वीडियो वो डाला था पिंपल के ऊपर, वहां से मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मैं दूसरा वीडियो डालता गया, फिर मैं तीसरा वीडियो डालता गया, ऐसे में वीडियोस डालता गया। और इस चैनल पे ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो डालूं और सीधा 300 व्यूज पार 400 व्यूज पार, 300-400 व्यूज की ही बात कर रहा हूं, पहले इतने भी नहीं आते थे, सिर्फ 50 या 60 व्यू आते थे और काफी मजाक उड़ता था मेरा मेरे फ्रेंड सर्कल के बीच में। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, मजाक ज्यादा उड़ाते थे कि पता नहीं क्या बना रहा है, 50 व्यू आ रहे फिर भी बनाया जा रहा है। उस दिन समझ में आया कि हमारा असली दोस्त हम खुद है, बिकॉज जब हम कुछ यूनिक करने जाते ना कोई हमको सपोर्ट नहीं करता, हमको खुद पे भरोसा रखना पड़ता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब मेरे पास बहुत सारे रीजन थे कि यार मेरा चैनल नहीं चल सकता। मेरे पास मोबाइल ही जोलो का कोई अजीब सा था जिसके अंदर 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा था मेरे वीडियोस, सच कह रहा हूं उससे रिकॉर्ड कर रहा था। और वहां से रिकॉर्ड करते करते मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा, 1000 या 1500 जब मेरे सब्सक्राइबर हुए ना उस टाइम पे मैंने वीवो का V5 लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे कैमरा के लिए बहुत पॉपुलर हो गया था वो फोन, तो मैंने वो वाला फोन परचेज किया। उसके बाद वीवो V5 के साथ ही इस चैनल के ऊपर मैंने मेरे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए, कोई सेटअप नहीं, कोई महंगा कैमरा नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बाद भी 2 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पे ऐड करना बहुत मुश्किल थे क्योंकि मेन स्टाइलिंग के अंदर सबको क्वालिटी चाहिए, मेन चीज यहाँ पे क्वालिटी की आ जाती है। लेकिन फिर भी आपकी हेल्प से आप लोगों ने बहुत गजब प्यार और सपोर्ट दिया है, उस वजह से हमने 2 लाख कंप्लीट कर लिए थे सिर्फ मोबाइल से। और आज भी आपका भाई एडिटिंग मोबाइल से करता है, सारी चीजें खुद करता है, रिकॉर्ड खुद करता है, एडिट खुद करता है, सेटअप भी खुद ही लगाता है। और सेटअप में मेरे पास कुछ भी नहीं है एक लाइट को छोड़ के। किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है ना तो आपको ना उसकी डीप तक जाना पड़ता है, आपको ना सब कुछ भूल के उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान, पूरी मेहनत, अपनी पूरी ताकत उस चीज में लगानी पड़ती है, आप एक दिन 110% सक्सेसफुल होंगे। दूसरा सवाल, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? तो ब्रो मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं फिलहाल वही संभाल रहा हूँ, मेरे पापा का बिजनेस है और मैं उसमें ऐड हो चुका हूँ। इससे पहले मैं जॉब कर रहा था, मेरी सैलरी थी 6000 रुपए। हाँ मेरे भाई, मेरा टाइमिंग था सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक और मुझे सिर्फ 6000 रुपए मिल रहे थे महीना। मैंने 2 महीने जॉब की और समझ में आ गया जॉब करके मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरे को जो मेरा फैमिली बिजनेस है उसी को बहुत आगे ले जाना होगा, तो सिंपली मैं मेरे बिजनेस में ऐड हो गया। अब बात करते हैं अभी की यूट्यूब अर्निंग की, तो अभी यूट्यूब की अर्निंग कुछ ज्यादा नहीं है यार, बस इतनी है जिसमें मैं मेरे खर्चे कर लेता हूँ, मेरे कपड़े आ जाते हैं, मेरी चीजें आ जाती है, मेरे जो क्रीम्स वगैरह होती है या फिर मेरे परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, इन शॉर्ट मेरे जितने खर्चे होते हैं ना वो मैं
कर लेता हूँ अब। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हो कि भैया हम धूप में जाते हैं तो बेस्ट सनस्क्रीन कौन सी है, हम हमारे हाथ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है वाओ कंपनी की सनस्क्रीन SPF 50 और बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैंने इनके दोनों वेरिएंट यूज किए हैं, SPF 40 और SPF 50, दोनों ही बहुत कमाल वर्क करते हैं। एक और सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो कि भैया आप पहले ऐसे नहीं दिखते थे, पहले आप कुछ ऐसे दिखते थे, अब आप कुछ ऐसे दिखते हो, ये कैसे हुआ? तो ये सब हुआ था ब्रो, बहुत लंबी कहानी लेकिन चलो आज बता देते हैं, इतनी भी लंबी नहीं है। तो ये सब हुआ था एक्चुअली, मैं स्कूल में था 12th स्टैंडर्ड में था, एक लड़की मेरे को पसंद थी, मैं उसके पास गया उसको प्रपोज करने और उसने दिखती बात है उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। और मेरे को उस टाइम पे लगा कि यार पता नहीं यार क्यों रिजेक्ट कर रही है, क्या सीन है मेरे साथ, क्या मसला है, मैं बाल भी तो एकदम चिपका के बनाता हूं, एकदम सिंसियर बच्चा हूं, फिर भी नहीं पटी। उसके थोड़े महीने बाद समझ आया कि ब्रो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है अगर लाइफ में कहीं आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा अपने आप का। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे वैसे मैं पहले नहीं कर पाता था, पहले मैं बहुत अटक अटक के और बहुत डर डर के बात करता था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम काफी दूर फेंक दी है मैंने। दूसरी चीज, सेल्फ बिलीव नहीं था और अभी इतना सेल्फ बिलीव है ना कि यार हद नहीं है जिसकी। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको भी ट्रांसफॉर्म होना है, कहां से स्टार्ट करूं कहां से स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले ना अपने दिमाग से स्टार्ट करना, यहां से ही सबसे मेन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सोच, जिस दिन सोच बदलेगी ना उस दिन आप भी बदलने लग जाओगे। तो मैंने मेरे स्किन टोन से लेकर मेरा वेट सब कुछ ट्रांसफॉर्म किया है और मैंने कैसे किया है ना उसके ऊपर वीडियोज भी बनाए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, उनको फॉलो करोगे तो आप भी डेफिनेटली अपने अंदर एक बहुत बेहतरीन चेंज देखोगे। एक और सवाल है भाई आपकी लव स्टोरी के बारे में कुछ शेयर कीजिए ना। तो लव स्टोरी के बारे में भाई सीन ऐसा है कि यहां बताऊंगा ना तो लड़की वाले के घर वालों को पता चल जाएगा और मेरे को मार पड़ेगी। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके घर में सबको पता है, मेरे घर पे भी पता है, लेकिन अभी मामला सेट नहीं चल रहा है। भैया आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? तो मेरी भाई सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ अब ऐसे सीन चल रहे हैं ना मेरे को समझ ही नहीं आ रही। सबसे पहले जब मैं किसी को बोलता था ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो लोग बोलते थे पागल है, उल्लू बना रहा है, झूठ बोल रहा है, शक्ल देख के अपनी। अब मैं बोलता हूँ ना कि एक गर्लफ्रेंड है तो बोलते हैं उल्लू बना रहा है भाई कुछ भी। तो हर एक सवाल का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी बन जाती यार। और आने वाले Q&A में मैं कोशिश करूंगा कि और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाओ और पार्ट टू के लिए आप जितने भी आपको सवाल पूछने पार्ट टू के लिए आप जाके पूछ सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।